हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रूल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। रूल ऑफ लाइट काहे में फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे हमको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है। एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना फूड मटेरियल्स तैयार करते हैं, ठीक है। और काहे में तैयार करते हैं, वो ग्लूकोज के फॉर्म में तैयार करते हैं। इस ग्लूकोज के तैयार होने में लाइट का क्या रोल है, ये हमको आज देखना है। तो लाइट क्या है, ये एक एनर्जी सोर्स है, यूनिवर्सल एनर्जी सोर्स है। कहाँ से आती है, सनलाइट से, ठीक है। इस सनलाइट के अंदर दूसरे भी बहुत सारी लाइट्स होती है, जैसे गैमा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई, देन उसके बाद रेडियो एक्टिव वेव्स रहती है, ये सारी यूज होगी, ठीक है। तो क्या और सभी ये सारी लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव है क्या, है नहीं। इसके अंदर जो पोर्शन होता है, वेरी शॉर्ट पोर्शन, जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, विजिबल लाइट जो होती है, ये लाइट क्या होती है हमारे लिए फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्लांट्स के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली जो है वो जो एरिया होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का, ठीक है। अगर हम इसको एंस्ट्रॉम में बात करें तो ये 4000 एंस्ट्रॉम टू 7000 एंस्ट्रॉम जाता है। तो ये वाला एरिया जो होता है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो लाइट की हम बात करें तो लाइट जो है वो वेव्स में जो है वो ट्रेवल्स करती है, और ये वेव जो है वो पैकेट के फॉर्म में होते हैं, और इन पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन, ठीक है। ये फोटोन्स के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, क्या होती है, एनर्जी होती है। और इसी एनर्जी का कन्वर्शन काय में होता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। किस तरह से होता है हमको ये देखना है। तो फर्स्ट थिंग हमको प्लांट्स के अंदर देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के अंदर जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमको पता है कि लीफ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है कि सेल ऑर्गेनाइज होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। वो क्या करता है कि लाइट को जो है वो रिसीव करता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस वहीं पे होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर भी क्या होती है, दो प्रोसेस होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, और एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एटीपी होता है, और दूसरा क्या होता है, एनएडीपीएच, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट जो है वो लाइट रिएक्शन के होते हैं, और कहां से कहां पे बनते हैं ये दो प्रोडक्ट जो है वो एक थैलोफाइट्स के अंदर जो है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह के थैलोफाइट एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, और ये थैलोफाइट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से अरेंज रहते हैं, और इसके अंदर जो है वो लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे लाइट पर, तो लाइट की जो है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की जो लाइट है ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव लाइट है, और इसी के अंदर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है। और इसके अंदर कौन सी लाइट है, विजिबल स्पेक्ट्रम में हम बात करें तो इसके अंदर हमको कितनी लाइट मिलती है, 7 कलर्स की लाइट मिलती है। कौन सी होती है, वॉयलेट होती है, इंडिगो होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है, ऑरेंज होती है, और एक क्या होती है, रेड होती है, ठीक है। तो ये सारी लाइट्स में एक तो हमको पहले ये कंफर्म कर लेना है कि क्या है लाइट, लाइट वेव है जिसके अंदर जो पैकेट के फॉर्म में चलती है, उस पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। फोटॉन्स के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। जब सनलाइट आ रही है तो सनलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो उसके अंदर दूसरे भी लाइट है, लेकिन जो शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट है जैसे एक्स रेज है, उसके बाद गैमा है, तो ये लाइट को क्या होती है, ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी का जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो जमीन पर आता है, और ये जितनी भी लाइफ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अंदर हमारे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव तो ये वाला रीजन है ही, इसके अंदर मोर एक्टिव जो है, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन सी लाइट है, वो ब्लू लाइट है, और ये वाला ब्लू लाइट है, और कौन सा है, रेड लाइट है। इसका पता करने के लिए जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसका नाम, साइंटिस्ट का नाम था T.W. Eagleman, ठीक है। तो ईगलमैन ने क्या किया कि एक फोटोसिंथेटिक एल्गी थी, उसको उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया को ग्रो किया, और उस एल्गी को जो है वो लाइट के सामने रखा। लाइट के सामने क्या किया, एक प्रिज्म रखा,
एक प्रिज्म को इस तरह से रखा, यहाँ पे लाइट रखा, ठीक है, और इस प्रिज्म के जब यहाँ से लाइट इस प्रिज्म में गई तो यहाँ पे क्या हुआ कि 7 डिफरेंट कलर जो है वो क्या हुए, अपीयर हुए, ठीक है, तो 7 डिफरेंट कलर अपीयर हुए, और ये 7 डिफरेंट कलर्स जो थे वो फोटोसिंथेटिक एक्टिव जो अलगी थी, ग्रीन अलगी, यहाँ पे अलग अलग जो है वो इस लाइट के अलग अलग जो लाइट थी वो इसके अलग अलग हिस्सों पे पड़ी, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया को ग्रो किया, कुछ बैक्टीरिया डाल दिया और देखा कि कुछ जो जहाँ पे ब्लू लाइट थी, ब्लू वाली और रेड वाली, ठीक है, तो ये वाले पोर्शन में क्या हुआ कि बैक्टीरिया ने ज्यादा ग्रो किया, एक ब्लू वाली में और एक रेड वाली में, ठीक है, बाकी के रेस्ट ऑफ दी जो लाइट थी वो क्या हुई कि वो रिफ्लेक्ट हो गई। क्लोरोफिल पिगमेंट जो के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, वो अपीयर क्यों होते हैं ग्रीन, क्योंकि वो जो ग्रीन लाइट है उसको क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर देते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, दैट्स व्हाई वो क्या अपीयर, कैसे अपीयर होते हैं, वो ग्रीन अपीयर होते हैं, जबकि वो एब्जॉर्ब कौन सी लाइट करते हैं, ब्लू वाली लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और रेड वाली लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया ने ज्यादा ग्रो किया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाली लाइट जो विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड वाली लाइट थी वो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या कर रहे हैं, मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरह ब्लू लाइट जो है वो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस के अंदर मेजर रोल प्ले कर रही है। फोटोसिंथेसिस हुआ, यहाँ पे फूड मटेरियल बना, तभी तो क्या हुआ, बैक्टीरिया ग्रो किए, अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो क्या होता, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। तो इससे क्या पता चला हमको कि जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम था उसमें लाइट जो थी वो ब्लू वाली और रेड वाली लाइट जो थी वो क्या है, मोर इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है, हम ये नहीं वो कह रहे हैं कि दूसरी जो लाइट्स थी वो इतनी रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन उसका इतना ज्यादा फोटोसिंथेटिकली वो एक्टिव नहीं थी, ठीक है, बाकी जो पिगमेंट है जैसे फाइकोबिलिन है, कैरेटोनॉइड्स है, ठीक है, तो और फाइको एरिथ्रिन, डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं तो वो पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ जो होगी उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वो बाकी लाइट की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, ठीक है, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है कि हमको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको देखें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को, तो वो कुछ इस तरह से रहता है, डबल मेम्ब्रेन रहती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से थैलोपोइड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं, ठीक है, ये इसके एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, जिसको हम फ्रेक्स चैनल्स बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पे अगर मैं इसके एक पोर्शन को जो है वो मैग्नीफाई करूँ तो वो किस तरह से दिखाई देगा हमको, ये इस तरह से, और इसके अंदर क्या होगी, पिगमेंट होगी, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट जब आती है तो इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी एनर्जी को रिसीव करते हैं, अलग अलग डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और बाद में फनेल करते हैं, जो एंड लास्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है, मेन जो रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है, उसको ये करते हैं। यहाँ से क्या होता है कि वो लाइट एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स एनर्जी वाला पैकेट्स है, लाइट के अंदर एनर्जी है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स जब लाइट को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल को, तो क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है कि वो ग्राउंड स्टेज में से क्या में चले जाता है, हायर स्टेज में, ठीक है, और हायर स्टेज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इजेक्ट हो जाता है, जब उसके अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वहां से निकल जाता है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो सनलाइट आई है उस लाइट के अंदर जो फोटॉन्स की एनर्जी थी उस एनर्जी को रिसीव करके क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया क्लोरोफिल को, और क्लोरोफिल ने क्या किया कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिसीव ग्राउंड स्टेज से हायर एक्साइटेड स्टेज में चले गए और देन वहां से रिलीज कर दिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपनी एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है, ठीक है, तो जो हमारा ये क्लोरोफिल का जो थैलोपोइड्स मेम्ब्रेन है, इसको हम बात करें थैलोपोइड्स मेम्ब्रेन की, तो हर मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड लेयर है, ठीक है, इस तरह से बायलिपिड लेयर है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे
फोटो सिस्टम होते हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम में जब इलेक्ट्रॉन्स जो आता है, दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक जो होता है पीएस फर्स्ट और एक पीएस सेकंड फोटो सिस्टम। तो वो फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जब रिजेक्ट होता है तो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाता है। प्राइमरी एक्सेप्टर के पास वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वहां से जो है वो ट्रांसफर होता है प्लास्टोसाइनाइन प्लास्टोक्यूनियन को। प्लास्टोक्यूनियन से साइटोक्रोम बी सिक्स कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम बी सिक्स कॉम्प्लेक्स से साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम एफ को, एंड देन उसके बाद प्लास्टोसाइनिन को, और देन उसके बाद इस तरह से वो क्या करता है अपनी एनर्जी लॉस करते हुए जाता है। उस एनर्जी का यूज करके क्या होता है एटीपी बनता है और एनएडीपीएच बनता है, ठीक है। ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। इसकी डिटेल्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, किस तरह से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्लिट होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को, डिफरेंट जो है वो फोटो सिस्टम के थ्रू जो है उसकी एनर्जी को यूज करके एटीपी मॉलिक्यूल्स और एनएडीपीएच बनाते हैं, जो कि क्या है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को डार्क रिएक्शन में बाद में क्या किया जाता है, डार्क रिएक्शन के अंदर यूज किया जाता है। हम ये बोल सकते हैं कि लाइट रिएक्शन जो है, डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन के जो है वो कैसे हो रही है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स के हेल्प से हो रही है, जो कि सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को वहां से क्या करते हैं इजेक्ट करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट फोटो सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं, और फोटो सिस्टम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को जो है वो यूज करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम जो है वो पूरा लाइट रिएक्शंस एज वेल एज डार्क रिएक्शंस और फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड, और किस तरह से जो है वो एनर्जी का जो है वो यूज होता है, किस तरह से एनएडीपीएच बनता है, ये सारे पॉइंट्स को हम लेटर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स कवर करेंगे। सो थैंक यू।